हाँ, योग सूत्र पढ़ने से पहले एक बात सोचते हैं। एक विचार आया कि हम जानते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है नियमों से चलती है, परमात्मा ने नियम बना दिए, और ये जो नियम है वो वैसे कोई लिखित रूप में इस तरह कुछ होते नहीं है, हमें समझना पड़ता है जीवन से, जीवन की घटनाओं से वगैरह से हमें इसको समझना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम हैं, पर जब हम एक तो खास तो हम कर्म के सिद्धांत की बहुत चर्चा होती है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, और जब हम तावरिया जी का इंटेंसिटी चार्ट को देखते हैं तो उसके अंदर पूरा कर्म का सिद्धांत छिपा हुआ है, अगर हम जान सके समझ सके तो। तो एक कर्म का सिद्धांत मानो एक नियम है, कुदरत का नियम है, और उसको ऊपर ऊपर से हम इतने ऐसे ही जानते हैं कि भाई जैसा बोओगे ऐसा पाओगे, एज यू सो यू रिप। पर इससे बहुत गहरा है, और अगर आप इंटेंसिटी चार्ट को समझते हैं तो आप कर्म का नियम किस तरह काम करता है और इंस्टेंटली किस तरह उसका परिणाम भी आता है वो हम उससे समझ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इंटेंसिटी चार्ट के अंदर हर विचार जो होता है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके साथ में हमेशा कुछ न कुछ इंटेंसिटी बनती रहती है, माइनस या प्लस के रूप में। तो ये जो इंटेंसिटी बनी वही समझो कि कर्म की कर्म यहाँ हो भी गया और उसका रिजल्ट भी तय हो गया, क्योंकि जो आपने सोचा वो यहाँ एक मेंटल कर्म हो गया। अभी फिजिकल कर्म का कोई महत्व नहीं है, मतलब कि मेरे मन में एक दुष्ट विचार आया पर उस विचार को मैं छुपा के आचरण कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो परिणाम वो आचरण का आएगा कि मेरे अंदर जो विचार एक पलक गया इसका आएगा। तो इंस्टेंटली वो यहाँ कर्म तो यहाँ एक ये हो ही गया, नक्की हो गया कि ये कर्म क्या है और इसका परिणाम भी क्या है, क्योंकि इमीडिएटली वो नेगेटिव या माइनस इंटेंसिटी बन गई तो कर्म और कर्म की असर दोनों यहाँ तुरंत की तुरंत ये दिखने लगी। अब होता है क्या कि इंटेंसिटी चार्ट के अंदर तावरिया जी ने क्या किया कि एक एक इंडिविजुअल इंटेंसिटी का कुछ उन्होंने ये नहीं ये की है। हम जो इंटेंसिटी की बात करते हैं या रिजल्ट की बात करते हैं तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, मतलब हम जानते हैं मानो कि एक दिन के पूरे सारे जो है वो जितने कुछ हमने कर्म किए प्लस माइनस के अंदर, और एक दिन के बाद में लास्ट के अंदर जो प्लस या माइनस के अंदर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनी, तो वो एक दिन का हमारा कर्म का फल हो गया, बराबर। तो इस तरह एक दिन के बाद में या फिर एक हफ्ते का या एक महीने का ले लो या फिर एक साल का, और इस तरह पूरी जिंदगी का जो है वो पूरा एक आउटकम क्या आता है प्लस माइनस करके, तो वो जो अंतिम हमारी जो इंटेंसिटी बनेगी, और खास करके वो कहते हैं इस तरह नेगेटिव माइनस इंटेंसिटी ही बनती है। जो लोग कोई साधना नहीं करते और अपने ऊपर काम नहीं करते हैं ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादातर माइनस नेगेटिव, और वो भी ह्यूज फॉर्म में, मतलब बड़ी मात्रा के अंदर इस तरह की नेगेटिव इंटेंसिटी इकट्ठा हो जाती है। तो वो जो इकट्ठा हो गई इस जन्म की पूरी ये जो रिजल्ट इंटेंसिटी, इसके ऊपर तो हमारा अनेक जन्मों का जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, कर्म कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो ये जो एक इंटेंसिटी का स्कोर बना उसके ऊपर ही सारी चीजें आधार रखेगी। अब दूसरा जन्म मुझे कैसे मिलेगा या कहाँ मिलेगा, किस तरह के माँ बाप होंगे, किस तरह की जीवन में घटनाएं घटेगी, ये सारी चीजें यहाँ एक बार तय हो जाती है। तो देखो कर्म का सिद्धांत किस तरह ये इंटेंसिटी चार्ट के अंदर ही छुपा है, अगर हम
इसको समझ सकते हैं, तो दूसरा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए ये साधना का या कुछ करेक्शन का महत्व है कि भाई अगर हम हमने हमारी जो ये इंटेंसिटी को नहीं बदला तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा आगे का फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो फ्यूचर को सुधारने का एक ही रास्ता है कि हम इंटेंसिटी को किस तरह बदल सकते हैं, और इंटेंसिटी को बदलने के लिए फिर हमें निश्चित रूप के साधना जो बताई है तवरिया जी ने वो साधना करनी पड़ेगी। तो मतलब साधना किस चीज की, कि जो पैटर्न बन गई है हमारे, जो पैटर्न से हम जीते हैं और जो पैटर्न हमारे अंदर नेगेटिविटी की बन गई है बहुत सारी, उस पैटर्न को हम किस तरह तोड़ सके, किस तरह हम साफ कर सके। क्योंकि अगर वो नेगेटिव पैटर्न चली जाएगी तो फिर कोई नेगेटिव कर्म नहीं बनेगा या नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, जो भी इंटेंसिटी बनेगी वो प्लस में ही बनेगी और फ्यूचर में इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए कि हम किस तरह प्लस इंटेंसिटी बना सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है वो फ्यूचर में जो आने वाली, आज जिसको हम कहते प्रारब्ध कर्म, क्रियामन कर्म, संचित कर्म वगैरह नाम तो हमने दे दिए, पर ये जो सारी चीजें जो है वो इसी तरह इसके अंदर ही है। ये अपने जो स्कोर बनाया, नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव बनाया और कितनी इसमें बनाया, उसके ऊपर हम इवन हमारी फिजिकल हेल्थ भी उसके ऊपर रहेगी, और इस जन्म की भी हेल्थ और अगले जन्मों की भी। मानो इस जन्म में ही हमने बहुत सारी नेगेटिव स्कोर बना दिया तो कुछ ही समय के अंदर, एक दो साल के अंदर ही उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा और हमारा शरीर बिगड़ता जाएगा, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, किसी को डायबिटीज आएगा, किसी को कैंसर तक भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। किस तरह का हमने नेगेटिविटी को अंदर पकड़ के रखा है और क्या स्कोर बनाया है, तो ये जो स्कोर बनता है हमारा ये एक परिणाम हमें देता है। तो हमें जो सोचना है, हमें कर्म के बारे में सोचना है तो इस ढंग से हमें सोचना है, और जितनी कम हमें नेगेटिव इंटेंसिटी को जन्म दे सके, मतलब जितनी कम होगी वो पैदा होगी इतना हमारे लिए अच्छा है, और जितनी हम पॉजिटिव या प्लस इंटेंसिटी बनाते हैं तो इस जन्म के लिए भी अच्छा है और दूसरे अनेक जन्मों के लिए अच्छा है। तो इसके ऊपर आप और भी विचार कर सकते हैं, आप सोचिए, अभी तो वैकेशन आ रहा है, टाइम भी मिलेगा तो आप सोच सकते हैं। अब हम योग सूत्र की ओर जाते हैं। योग सूत्र जो हम कर रहे थे उसको देखते हैं, पेज नंबर 26 के ऊपर हमने फेज एक्सरसाइज 1-4 एक्सप्लेन वो पढ़ना चालू किया था, और उसके दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, और उसमें भी हमने यही देखा था कि ऐसी साधना या ऐसी क्रिया होनी चाहिए कि जो निरंतर हमारी पैटर्नों को तोड़ती रहे, कांपती रहे। क्योंकि हम जो साधना करते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर लोग, तो इस तरह की हमारी प्रैक्टिस होती है कि सुबह में घंटा, एक आधा घंटा, एक घंटा किसी ने कर लिया, और समझो कि वो हम समझते कि ये बहुत हो गया, काफी है हमारे लिए। पर यहाँ वो खास कावरिया जी कहते हैं कि भाई आप जो भी करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर एक घंटा, आधा घंटा, दो घंटा जितना भी कर लिया, उसके बाद में आप जब उठते हैं तो इसकी असर धीरे 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 खत्म होती जाती है। क्योंकि हमारे, हम पैटर्न से जीने वाले लोग हैं, हमारे एक आदत है पैटर्न की, तो धीरे धीरे करके दूसरी पैटर्न फिर से चालू हो जाती है और फिर हम इस तरह जीना हमारा चालू हो जाता है। तो जो किया है उसका जो लाभ जो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वहाँ अटक जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा 3 स्टेप को कितना महत्व दिया कि भाई 3 स्टेप होगा तो कम से कम वो एक स्लो मोशन में काम करता रहेगा और पैटर्नों को एकदम उभरने नहीं देगा। इसलिए दूसरी सारी क्रियाओं के बदले में ये रिदमिक ब्रीदिंग करना, दूसरी कर सकते हैं पर रिदमिक ब्रीदिंग हमें खास करना पड़ता है, नहीं तो
जो कुछ किया है उसकी एक इम्पैक्ट जो है वो अंदर तक जाना चाहिए, वो नहीं आएगा। अब लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं, पेज नंबर 26, योग सूत्र। वी हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड टू लिंक द कॉन्शियस टू द अनकॉन्शियस, और रादर टू हैव द कॉन्शियस फ्लो इन टू द अनकॉन्शियस। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो हम कोई क्रिया कॉन्शियस माइंड से करते हैं और वो कॉन्शियस माइंड का प्रभाव जब तक हमारे अनकॉन्शियस पर नहीं पड़ता है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और यहाँ आगे फिर वो थ्री स्टेप की भी बात करते हैं, तो वो यही माने में है कि जैसे कि रिदम है, तो रिदम हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं और इसको धीरे धीरे करके हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी रिदमिक बन जाए और जो इसके अंदर जो गड़बड़ी है, जो गलत चीजें पड़ी है, वो धीरे धीरे करके सुधर जाए। तो इसलिए ये कॉन्शियस जो फ्लो है उसको हमें अनकॉन्शियस, और कॉन्शियस फ्लो क्या है, रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो रिदम जो है वो कॉन्शियस फ्लो है, उसको हमें अनकॉन्शियस तक ले जाना है। इट्स इफेक्ट देन वुड बी फोर्सफुल एंड परपेचुअल एज इट वुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ। और फिर वो एक वे ऑफ लाइफ ही बन जाएगा कि भाई अब रिदम से जीने का हमने चालू कर दिया, तो रोज एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, इस तरह फिर दिन भर में ज्यादा से ज्यादा घंटे हम रिदमिक ब्रीदिंग के साथ जीते हैं, तो आगे जाके वो फिर हमारा एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि हम कुछ गलत कर बैठेंगे। एट फर्स्ट वी कैरी आउट 3SRB कॉन्शियसली टिल वी रीच एटलीस्ट 1 hour ऑफ कॉन्शियस 3SRB एवरी डे। देन वी प्रैक्टिस 3SRB टू टैप रिदमिक म्यूजिक प्लेड एज वन फॉल्स अस्लीप इन बेड। अनदर मेथड इज थ्रू द एक्सरसाइजेज इन सीरीज, बट द फर्स्ट मेथड इज इनडिस्पेंसिबल। तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो हमें इस तरह करना है, और पहले धीरे धीरे करके एक घंटे तक हम कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10-15 मिनट से आधा घंटा और एक घंटे तक की कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर रात को सोते समय जो है वो म्यूजिक लगा के सो जाते हैं। हालांकि ये किताब तो 88 के अंदर लिखी गई थी, इससे थोड़ी पहले, तो ये उस समय ये जो टेप बनी थी, म्यूजिक की टेप जो वो टेप आती थी, वो कैसेट की उस समय तो मिलती थी, तो इसलिए यहाँ का रिदमिक ब्रीदिंग टेप बजाओ और उसके साथ में सो जाओ। पर अभी तो ऐसा हम ये इसमें दो बात है कि पहले एक घंटे तक पहुँचो और फिर रिदमिक ब्रीदिंग के साथ में सोने का प्रयत्न करो, पर अब ऐसा नहीं है, अब तो म्यूजिक इतना इजीली अवेलेबल हो गया है कि भाई हर व्यक्ति जो है वो सीखता है और म्यूजिक चालू करके सो जाता है। दिन भर में भी मोबाइल में होता है, तो मोबाइल से म्यूजिक चलाने का प्रयत्न करता है, तो अब थोड़ी पैटर्न बदल गई है, ठीक है, किसी तरह भी थ्री स्टेप चलता रहे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर ये दो चीज है इसके अंदर, एक जो है ये थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग का मार्ग, और दूसरा मार्ग जो है वो एक्सरसाइजेज इन सीरीज, मतलब कि फेज एक्सरसाइज खास करके 1 से लेके 4, और फिर बाद में फेज 5 भी बताया हुआ है, और उसके साथ में जो और हम रिफाइनिंग वगैरह करते हैं ये सारी एक्सरसाइज, तो एक एक्सरसाइज का मार्ग है और दूसरा एक ये 3 स्टेप का मार्ग है। पर मतलब कि 3 स्टेप का मार्ग से तो हम जा सकते हैं, और कुछ हद तक हम एक्सरसाइज को के द्वारा भी काफी हद तक हम आगे जा सकते हैं, पर अगर हम दोनों को ये कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा करके अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सुबह में एक्सरसाइजेज इन सीरीज करते हैं और फिर दिन भर में ये जो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, तो ये जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और ये 3 स्टेप को तो वो इनडिस्पेंसिबल कहते हैं, वो तो अनिवार्य है, उसको तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज इन सीरीज तो करो, पर इसको छोड़ के
कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि थ्री इयर्स चाहे कोई भी प्रैक्टिस करिए हम एक्सरसाइज वगैरह, पर थ्री स्टेप तो हमें साथ में करना ही पड़ेगा। अब द टू प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम, वन इज सबकॉन्शियस एंड एनिमल, द अदर इज ऑल्सो सबकॉन्शियस बट ह्यूमन। अब हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इस तरह की नर्वस सिस्टम हमारे अंदर है। और योग की दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर जिसके भी दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम हमारे अंदर है योग के मार्ग में या प्रगति के लिए या इवोल्यूशन के लिए। तो जो दो के पार्ट है उसका, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक, तो यहाँ ये दोनों की बात की है। पहली जो है वन इज सबकॉन्शियस एन एनिमल, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी सबकॉन्शियस एन एनिमल टाइप की है, क्योंकि उसके अंदर एनिमल टेंडेंसी जो हमारे अंदर पड़ी है उसको ही वो बढ़ावा देने का ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। और दूसरी जो है ऑल्सो सबकॉन्शियस बट ह्यूमन, तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सबकॉन्शियस तो है पर ह्यूमन है, मतलब कि इसको हम अगर डेवलप करते हैं तो ह्यूमन लाइक हमारे जो जो गुण है या फीचर्स है वो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये योग के अंदर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को डेवलप करने का ज्यादा महत्व दिया गया है। दिस लेटर वन इज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन फुल्ली इन सम नियर इवोल्यूशनरी फ्यूचर। तो अभी इसके अंदर दो रूप से काम हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर हमें जल्दी करनी है और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसको चालू करना है तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर साधना करके हमारे अंदर इसको कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो एक इवोल्यूशन, नेचर का इवोल्यूशन होता है, उसके अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस सब आते रहते हैं, तो फ्यूचर का इवोल्यूशन जो होगा पूरी सृष्टि का उसके अंदर ये फ्यूचर के अंदर ये सिंपैथेटिक थोड़ी कम होती जाएगी और पैरासिंपैथेटिक जो है वो बढ़ती जाएगी, पर उसके लिए तो काफी टाइम लग सकता है। हमें अगर हमारे अंदर आज ही करेक्शन करना है, मतलब जितना जल्दी हो सके इतना हम चेंज चाहते हैं, तो हमें इसके ऊपर पैरासिंपैथेटिक किस तरह हमारी एक्टिव बन सके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैन वी रीजनरेट दिस सिस्टम एंड मेक यूज ऑफ इट टूडे, तो क्या हम आज ही इसका उसको रीजनरेट कर सकते हैं, उसको पुनर्जीवित करके उसका फायदा ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इन आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम नो ऑर्गन और नर्वस सिस्टम कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड देयर फंक्शनिंग कैन आइदर हार्म और हेल्प द इंडिविजुअल। तो हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है और अलग अलग नर्वस सिस्टम वगैरह हैं, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, कोई भी इंडिपेंडेंटली कोई सिस्टम काम नहीं करता। जैसे हार्ट है तो हार्ट का फंक्शन जो है वो लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट जो ब्लड को ब्लड जो हार्ट के अंदर जो इम्प्योर ब्लड आता है तो वो शुद्ध करने के लिए हार्ट लंग्स को भेजता है, लंग्स वो उसको प्योर करके फिर हार्ट को भेजता है, वो हार्ट पूरे बॉडी को भेजता है। तो इस तरह सिस्टम जो होती है वो पैर में खास करके काम करती है, और इसी तरह नर्वस सिस्टम भी है वो भी इसी तरह काम करती है। तो इसीलिए जो ये सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती है, और इसलिए हो सकता है कि उससे कुछ फायदा भी हो सके और कुछ उससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि किस तरह ये सिस्टम काम करती है, जो अच्छी तरह काम करती है, कोऑर्डिनेशन में काम करती है तो उसे फायदा हो सकता है, या फिर कोई सिस्टम के अंदर गड़बड़ी आ जाती है तो फिर उसे नुकसान भी हो सकता है। सो फार अवर नॉर्मल वेज ऑफ लिविंग हैव बीन हार्मिंग अस फिजिकली इमोशनली एंड मेंटली। तो ये जो हमारा अंदर का जो तीन लेवल जो है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल, इसके ऊपर इसका
कोई भी प्रभाव पड़ सकता है, वो नुकसान भी कर सकती है और अच्छी तरह अगर काम करेगी तो वो उसका फायदा भी है। पर ज्यादातर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे हम देखा कि वे ऑफ लाइफ हमारा किस तरह है, तो वे ऑफ लाइफ जिस तरह का होगा इस तरह हमें इसका है। और आज तो हमारा वे ऑफ लाइफ इतना गड़बड़ी वाला हो गया है, और तीनों लेवल के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर हमारा उठना बैठना खाना पीने का टाइम वगैरह कुछ हमारा ये नहीं होता है, हाथ में नहीं होता है, या यूं कहे कि लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि भाई किस तरह हमें टाइम सर्व फिजिकल लेवल पर सब करना चाहिए, और वो नहीं होता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव जो है वो इमोशनल लेवल के ऊपर पड़ेगा और मेंटल लेवल के ऊपर भी पड़ेगा। और मेंटल और इमोशनल के लिए तो ये सोशल मीडिया का इतना प्रभाव और बहुत सारे चीजों जो है हमारे आजू बाजू इतनी सारी पड़ी हुई है जो हमारे अंदर इमोशनल और मेंटल लेवल को ज्यादा से ज्यादा खराब करने के लिए सब कुछ मौजूद ही है, और आदमी इसके अंदर खींचा जाता है। तो ये तीनों लेवल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, आज धीरे धीरे करके बिगड़े हुए हैं। तो अभी योग का ही एक मार्ग है कि धीरे धीरे करके फिजिकल लेवल से हम योग चालू करते हैं और इमोशनल और मेंटल को फिर से हम करेक्ट कर सकते हैं। इफ वी कैन ब्रिंग अबाउट इनहिबिटरी एक्शंस ऑन सिस्टम दैट हार्म्स, एंड इफ वी कैन जनरेट द अदर्स नर्वस सिस्टम दैट कैन हेल्प, वी वुड बी ऑन अवर वे टू प्रोग्रेस। तो जो नर्वस सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम में नुकसान करती है, ऐसी जो नर्वस जो चीजें हैं, इन इनहिबिटरी एक्शन मतलब जो अवरोध रूप जो क्रियाएं होती है, और ऐसी दूसरी नर्वस सिस्टम को हम जनरेट करके या फिर उसको चालू करके, मतलब कि ये कुछ चीजों को हमें रोकनी पड़ेगी और कुछ चीजों जो है वो हेल्पफुल है उसको चालू करनी पड़ेगी, तो फिर हम ये प्रगति के पाठ के ऊपर प्रोग्रेस हमारा हो पाएगा। तो जो ये इनहिबिटरी जो एक्शंस होते हैं, इस तरह के एक्शंस को हमें ढूंढ निकालना है और वो ना हो सके, और किस तरह का हमारे अंदर एक पॉजिटिव या अच्छे एक्शंस हो सके ताकि वो नर्वस सिस्टम और दूसरी सिस्टम काम कर सके, वो खास देखना हमें जरूरी है, तो हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। द लेटर मोर इवॉल्व नर्वस सिस्टम हैज बोथ एफेरेंट एंड एफेरेंट नर्व्स फाइबर्स टू इनहिबिट एज वेल एज टू एक्साइट। अब ये दो प्रकार के फाइबर्स, नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे अंदर, एफेरेंट और इफेरेंट। तो एक जो है वो बहिर्मुखी है मतलब बाहर जाने वाला है, और एक जो है वो मैसेज को अंदर लेने वाला है। जैसे कि बाहर कोई चीज गठित होती है तो उसको, वो चीज को मैसेज के रूप में ब्रेन के अंदर ले जाएगा, और ब्रेन से जो है वो मैसेज फिर बाहर ले आएगा। तो इसको मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, इस तरह दो प्रकार की ये होती है, इसको एफेरेंट और इफेरेंट कहते हैं। और वो दोनों का काम ये है कि वो एक जो है वो इनहिबिट करती है मतलब वो शांत करने का काम करती है, और दूसरा जो है वो एक्साइट करने का काम करती है। अब ये जो है नॉर्मली ये जो दो फाइबर है, एफेरेंट और इफेरेंट, वो मेनली जो है नर्वस सिस्टम हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इससे अलग सिंपेथेटिक पैरासिंपेथेटिक से अलग नर्वस सिस्टम है, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसके अंदर ये फाइबर्स खास काम करते हैं एफेरेंट और इफेरेंट के। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये पैरासिंपेथेटिक में भी इस तरह के फाइबर है कि नहीं, और फिर मैंने ये सब पढ़ा देखा तो कंफर्म हुआ कि हाँ, ये पैरासिंपेथेटिक के अंदर भी इफेरेंट और एफेरेंट ये नर्व हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वो एकदम करेक्ट है। इफ द एक्सरसाइजेस इन सीरीज एंड फेजेस कैन रीजनरेट दिस नर्वस सिस्टम, वी कैन एक्सपीरियंस हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। दे कैन ऑल्सो फाइट टू रिमूव अवर ओवर पावरिंग वीकनेसेस एंड हार्मफुल टेंडेंसीज। दिस आर ऑल जस्ट प्रिलिमिनरीज। तो ये जैसे दूसरा मार्ग जैसे बताया कि भाई एक्सरसाइजेस इन सीरीज,
फेज एक्सरसाइज जो है वो सीरीज में हम अगर करते हैं तो उसे भी हम ये दोनों नर्वस सिस्टम है उसको ये कर सकते हैं, खास करके पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं और उसके द्वारा हम हेल्थ और पीस ऑफ माइंड दोनों का अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक बात खास समझनी है कि ये जो तावरिया जी ने फेस एक्सरसाइज की है दी है वो उसको कभी भी हमें कम समझना नहीं चाहिए, ये गहरी से गहरी साधना है और इतनी गहराई से वो काम करती है कि दूसरी जो साधनाएं हम अनेक सालों तक काम करते हैं उसके बाद में भी जो रिजल्ट नहीं मिलता है वो ये एक्सरसाइजेस इन सीरीज के अंदर फेज एक्सरसाइज के अंदर हमें मिलता है, क्योंकि वो जो है वो अंदर का जीनेटिकली एक चेंजेस ला सकता है और तावरिया जी तो मानते थे कि नॉर्मली जीनेटिक चेंज आते नहीं है, पर तावरिया जी का खास ये कहना था कि भाई फेज एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे जीनेटिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, इतनी पावरफुल और इतनी गहरी ये एक्सरसाइजेस है, पर इसको अगर निष्ठा से करते हैं तो ये बहुत कम समय के अंदर हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ उन्होंने ये किया है। तो इससे ये एक अच्छी हेल्प मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है और जो हमारे अंदर जो वीकनेसेस हमें ओवर पावर करती है, जो हमारी दुर्बलता है जो बार बार ऊपर आती है, किसी के अंदर क्रोध पड़ा है वो बार बार ऊपर आ जाता है, किसी के अंदर चीड़ पड़ी है, किसी के अंदर डर पड़ा है, तो छोटी छोटी बातों में डर बार आ जाता है, गुस्सा बार आ जाता है, तो ये ओवर पावरिंग जो वीकनेसेस है उसको भी ये रिमूव करने में और उसके साथ में फाइट करने के लिए ये फेज एक्सरसाइज वगैरह हमें बहुत मदद करते हैं और भी जो हार्मफुल टेंडेंसीज है वो सब चीज को ये फेज एक्सरसाइज अच्छी तरह टैकल कर सकती है। फिर भी ये सब प्रैक्टिसेस प्रिलिमिनरी ही है, अभी जो आगे की साधना तो बहुत बाकी है, प्रत्याहार तक तो मिनिमम, प्रत्याहार से तो समझो कि योग की शुरुआत होती है, तो ये तो एकदम प्रिलिमिनरी, इतनी इफेक्टिव होने के बावजूद भी ये तो प्रिलिमिनरी ही एक्सरसाइजेस है और उसके बाद में हम प्रत्याहार से रियल योग तो चालू कर सकते हैं। इफ चित्ता कैन रिमेन नेचुरली एट पीस एंड नॉट ऑसिलेट बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर वी शैल बी इन ए पोजिशन टू हियर इंट्यूटिवली व्हाट द फ्लोइंग इन्फिनाइट माइंड हैज टू इन्फॉर्म अस। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभी एक नेक्स्ट स्टेप ऊपर का स्टेप की बात यहाँ चालू होती है कि इन्फिनाइट माइंड जो है, जो जिसको हम चित्ती कहते हैं, इन्फिनाइट माइंड कहते हैं, जिससे हमारा इंडिविजुअल माइंड बना है और इंडिविजुअल माइंड जो है चित्त, इसके द्वारा पूरा विचार प्रक्रिया और अंदर का व्यवहार सारे चलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो है चित्त जो बना है वो हमेशा ऑसिलेट करता रहता है, मतलब पास्ट और फ्यूचर के अंदर हमेशा भागता रहता है और इसके कारण जो है वो अंदर से जो ये एक ये जो इन्फिनाइट माइंड जो कुछ कहना चाहता है या अंदर से जो आवाज हमारी आती है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था, उसमें भी यही बात आती थी कि हमने हमारे हार्ट और माइंड को कभी भी साइलेंस किया ही नहीं है, तो हमारा आत्मा जो अंदर से बोल रहा है, विस्पर कर रहा है, वो हम कभी भी सुन नहीं सकते हैं। तो इन्फिनाइट माइंड जो है वो भी हमारे अंदर निरंतर इसका फ्लो तो चालू रहता है और वो फ्लो के कारण ही हमारा इंडिविजुअल चीट बनता है, पर क्योंकि वो चीट ब्रेन की प्रवृत्ति के साथ में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो बैठता है और इसके कारण फिर वो जो अंदर ये है चीज, जो इन्फिनाइट माइंड जो हमें कुछ कहना चाहता है, कुछ चीजें बताना चाहता है, वो फिर हम नहीं कर सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कैन बी सेटअप एट फर्स्ट वन वे ओनली, लेटर विथ अदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज इट शैल बी पॉसिबल टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बोथ वेज। वी शैल बी एट पीस नोइंग दैट वेन इन डाउट और फियर वी कैन अवेल ऑफ द माइटी पावर ऑफ द इन्फिनाइट माइंड। टूडे वेन इन डाउट और फियर वी हैव नोवेयर टू गो।
तो इन्फिनाइट माइंड के साथ में अगर हमारा इस तरह कम्युनिकेशन चालू हो जाता है, इन्फिनाइट माइंड कुछ हमें कहना चाहता है, और अगर हम हमारा जो दिमाग जो है वो ऑसिलेट करना बंद कर दे, मतलब शांत हो जाए, भूत और भविष्य में भटकना बंद कर दे, तो ये हो सकता है कि जो इन्फिनाइट माइंड जो कहना चाहता है वो हम जान सके। तो शुरुआत में ये एक कम्युनिकेशन वन वे शुरू होता है और फिर धीरे धीरे करके टू वे भी हो सकता है, मतलब कि फिर हमें जो चीज जानना चाहते हैं एट अवर विल कि भाई मुझे एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं चिट्ठी के पास इन्फिनाइट माइंड से जानना चाहता हूँ, तो उसके सामने ये मैं प्रश्न रख सकता हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और फिर मुझे उसका उत्तर भी मिल सकता है। तो ये जो है फिर वो टू वे में फिर कम्युनिकेशन शुरू होता है, अभी शुरुआत में एक वे से होता है। और जब ये चीज हमें एक समझ में आ जाती है, हम जान जाते हैं कि भाई ये तो एक माइटी फ्लो हमारे साथ ही है, हमेशा हम जब चाहे जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो फिर अगर कोई डर आता है या डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये शक्ति हमारे साथ है और हम इमीडिएटली उसका उपाय कर सकते हैं। पर आज की डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारा कम्युनिकेशन बैठा नहीं है, हम ये माइटी पावर के साथ जुड़े हुए नहीं है, इसलिए आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक्सरसाइजेस इन सीरीज जो है फेज वन किस तरह करना है वो हम पढ़ते हैं, कोई कई लोग तो जानते होंगे, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना और जानना अच्छा है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें इसके अंदर अच्छी बताई है। तो पेज नंबर 27 पढ़ते हैं, डी एक्सरसाइज इन सीरीज फेज वन। तो पहले थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की क्या है वो बताया हुआ है, क्योंकि थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो तीन रिदम के अंदर किस तरह अलग अलग है, और फेस के अंदर ये तीनों रिदम का हमें उपयोग करना है, इसीलिए फिर यहाँ थ्री स्टेप की बात करते हैं। तो थ्री स्टेप के थ्री नंग है, टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम। टेक्निक क्या है, बोथ चेस्ट एंड एब्डोमिन आर रेज एंड लोअर टूगेदर एंड इक्वली। तो ये टेक्निक हम जानते हैं कि श्वास को हम इस तरह लेना है और छोड़ना है ताकि हमारे छाती और पेट दोनों ऊपर उठे और फिर दोनों नीचे जाए या अंदर या बाहर हो सके। और एक बात खास ध्यान में रखना कि चाहे हम कितने भी पुराने हैं और अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा अभी भी नहीं चलता है, चाहे सालों से आप कर रहे हैं, पर जब आप एट रैंडम करते हैं, मतलब कोई खास ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं, तो आप देखोगे तो आपका छाती का पार्ट जो है वो ऊपर उठता नहीं है, आपका पेट थ्री स्टेप चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, पर ज्यादातर आपका पेट का भाग भी जो है वही ज्यादा चलता रहेगा। और ये आप नोटिस करना, इसका मतलब कि अभी भी हमने इसको सीरियसली जिस तरह टेक्निक है इस तरह तो किया हुआ ही नहीं है, तो हो सके तो उसके ऊपर ध्यान देना। वॉल्यूम, द ब्रेथ इज फुल फ्रॉम नेक टू नेवल, दैट इज अपर मिडल एंड लोअर एब्डोमिन आर फिल्ड टू नॉर्मल कैपेसिटी, द क्वांटम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इज व्हाट इज यूजुअली नॉर्मल टू अस, नेदर टू मच नॉर टू फोर्सफुल, बिकॉज नॉर्मल 3SRB ब्रेथ इज नॉट एन एक्सरसाइज बट ए प्रोसेस ऑफ करेक्ट ब्रीदिंग। अब वॉल्यूम में क्या करना है कि हमारा श्वास इस तरह आना चाहिए कि जो गले से लेके नाभि तक वो जो है श्वास पूरा भर जाना चाहिए। तो श्वास लेता चालू करते हैं तो धीरे धीरे करके श्वास हमारा नीचे तक नाभि तक जाना है चाहिए, इसी तरह हमारा श्वास पूरा तीनों जो लोब है अपर मिडल एंड लोअर एब्डोमिन तीनों एब्डोमिन के अंदर हमारा श्वास इस तरह चलना चाहिए। और उसका जो जो जत्था है वो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए न कि कम होना चाहिए, या ज्यादा फोर्सफुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग है, हम कोई डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे या ना कोई एक्सरसाइज कर रहे है, तो ये बात ध्यान में रखते हुए उसका वॉल्यूम भी एक कंट्रोल वॉल्यूम होना चाहिए। और तीसरी बात रिदम, द टोटल ब्रेथ टेक्स 5 सेकंड्स
और 6 पल्स बीट। तो एक श्वास जो है वो 5 सेकंड का होगा या 5 सेकंड का या 6 पल्स बीट कह सकते हैं, जिसके अंदर द एग्जैक्ट रिदम इज टू काउंट 1, 2, 3 व्हाइल इनहेलिंग एंड 5, 6 व्हाइल एक्सहेलिंग। 4 इज नॉट काउंटेड। नोट दैट इनहेलेशन अनलाइक इन ऑर्डर इन अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम, बट एज इन नेचुरल ब्रीदिंग इज लॉन्गर देन एक्सहेलेशन। दिस एड्स अप टू 12 साइकिल और ब्रेथ ऑफ नॉर्मल 3 SRB पर मिनट। देर इज नो पॉज बिटवीन ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। तो ये जो रिदम है वो उसके अंदर 5 सेकंड का एक श्वास है, जिसके अंदर हम 3 सेकंड श्वास लेने के लिए लेते हैं और 2 सेकंड के अंदर श्वास छोड़ देते हैं। इसलिए इसमें 1, 2, 3, 5, 6 काउंट किया जाता है और उसमें 4 काउंट किया नहीं जाता है। 4 नहीं है क्योंकि 6 पल्स बीट है, उसके सामने 5 ही ये सेकंड्स है। तो 1, 2, 3, 5, 6 तो ये 5 सेकंड हो जाती है। और इसमें दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्राणायाम या दूसरी एक्सरसाइज से उसकी जो पैटर्न है वो अलग है। नॉर्मली प्राणायाम के अंदर हम श्वास लेते हैं, इससे ज्यादा छोड़ते हैं, मतलब कि एक्सहेलेशन इज लॉन्गर देन इनहेलेशन। जब इसमें हम 3 SRB में क्या करते हैं कि हमारा इनहेलेशन लंबा है 3 सेकंड का है और एक्सहेलेशन है वो 2 सेकंड का है, तो 5 सेकंड की एक श्वास बनता है। तो 1 मिनट के अंदर मतलब 7 सेकंड के अंदर 12 श्वास बनेगा। बिगिन बाय प्रैक्टिसिंग 3 SRB टू टैप्ड म्यूजिक एंड गेट एक्लेमेटाइज टू इट इन द कन्वेंशनल पोस्चर्स, लाइंग डाउन, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो 3 स्टेप हमें जो प्रैक्टिस करनी है तो वो 4 प्रकार से हमें करनी चाहिए। बैठे बैठे भी करनी चाहिए, खड़े रहकर भी करनी चाहिए, चलते समय भी करनी चाहिए और लेट कर भी चलनी चाहिए। तो शरीर की 4 स्थिति के अंदर हम करते हैं तो अलग अलग मसल जो है हमारा वो यूज में आता है और इसके द्वारा अलग अलग मसल्स को ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह हमें हमारे बॉडी को एक्लेमेटाइज करना है, उसको इस तरह की एक हैबिट उसको हो जाए। तो ये 4 प्रकार से हमें करना है। इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस बाय 5 मिनट्स एवरी फोर्टनाइट अंटिल इन 6 मंथ्स टाइम 1 आवर ऑफ कॉन्शियस 3 SRB इज रीच। अब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके करना है। ये एक्चुअल मैटर उन्होंने बताई है, हालांकि हम फॉलो नहीं करते हैं। हमने जब सिखा था तब भी नहीं और आज भी इसका कोई खास फॉलोअप नहीं होता है। पर हकीकत में इस तरह करना है कि 3 SRB जो है वो हर 15 दिन में सिर्फ 5 मिनट उसको बढ़ाना है और इस तरह धीरे धीरे करके 6 महीने में 1 घंटे कॉन्शियस, 1 आवर कॉन्शियस आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। इस तरह मेथोडिकल हमें करनी चाहिए। एट दिस स्टेज वन कैन बिगिन ए रेजिमेन ऑफ गोइंग टू स्लीप व्हाइल प्रैक्टिसिंग 3 SRB टू सॉफ्ट टैप्ड म्यूजिक इन एन एफर्ट टू ट्रांसफर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड कंटिन्यूटी ऑफ 3 SRB विद इन द सिस्टम फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड टू द अनकॉन्शियस माइंड। ओनली इन दिस वे इज कॉन्शियस 3 SRB फॉर एटलीस्ट 8 to 10 वेकिंग आवर्स पॉसिबल। ये लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, 8 to 10 वेकिंग आवर्स। अगर इतना कोई कर सकता है, मेथोडिकल जाके कर सकता है इतना, चाहे कितना भी समय लगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 8-10 घंटा अगर किसी का 3 स्टेप चलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर उसके लिए जरूरी ये है कि रात को सोते समय हमें म्यूजिक को चला के ही सोना है,
क्योंकि ये एक नियम है, साइंस का नियम है या एक प्रकृति का नियम है कि जो चीज को हमें हैबिट बनानी है तो हमारी सारी की सारी हैबिट जो है वो सब कॉन्शियस में पड़ी हुई है। तो कॉन्शियस ब्रेन से हम चीज को अनकॉन्शियस में ले जाते हैं तो वो चीज हैबिट बन जाती है। अब 3SR को भी, 3SRB को भी अगर हमें हैबिट बनाना है, मतलब 3SRB अपने आप में ही स्वास्थ्य चलता रहे, न कोई ध्यान देने की जरूरत रहे न और कुछ, और खाली स्वास्थ्य चलता रहे, तो इस तरह की हैबिट तभी बन सकती है कि ये जो कॉन्शियस माइंड में चल रहा है 3 स्टेप, उसको हम धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस तक ले जाए। और रात को सोते समय ये चीज संभवित हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब सबकॉन्शियस डोरमेंट हो जाता है, जब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है तो कॉन्शियस माइंड डोरमेंट हो जाता है। अब जब नींद आती है एक्चुअली वो टाइमिंग के ऊपर क्या होता है कि धीरे 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 करके हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो शांत होता जाता है और सबकॉन्शियस जो एक्टिव होता जाता है। अब कॉन्शियस माइंड के अंदर रिदम चालू है, हमारे श्वास के अंदर रिदम चालू है, तो और हम धीरे धीरे करके सो रहे हैं तो सबकॉन्शियस अभी जागने लगा है, वो सबकॉन्शियस ये रिदम को पकड़ लेगा। इस तरह परफेक्टली होना चाहिए, अगर इस तरह परफेक्टली होता है तो ये रिदम की हैबिट हमारे अंदर बन जाएगी और फिर 8-10 घंटा जिस तरह इस तरह बता रहा है वहाँ, इस तरह 8-10 घंटे दिन में फिर को बनने करने होने की संभावना बन जाती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि अगर हम 8-10 घंटा चला सकते हैं तो बहुत सारे उपद्रव, बहुत सारी निकम्मी चीजों से हम बच सकते हैं। तो इसके ये बात को खास सीरियसली लेना और इसके ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं वो ट्राई करना। इन फास्ट 36 cycles per minute एंड इन एंड इंटरमीडिएट 18 cycles per minute 3SRB the pattern is the same, but the breath is as full as possible and also forceful, both for inhalation as well as for exhalation. In both fast and intermediate 3SRB, one additional step is introduced for the phase exercise in series. In the beginning, one may practice fast and intermediate 3SRB with or without these 4 steps described below. तो जैसे हमने कहा इस तरह 3 प्रकार की रिदम है, 12 साइकिल्स की है, 36 साइकिल्स की है और 18 साइकिल्स की है, और फेज में ये तीनों रिदम का हमें उपयोग करना है। तो फास्ट और दूसरी 18 की है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। अब जब हम फेज करते हैं तो उसको हमें फोर्सफुली उसका हमें उपयोग करना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर, मतलब अच्छी तरह श्वास लेना भी है और अच्छी तरह श्वास को खाली करना है, और दोनों के अंदर 18 के अंदर और 36 के अंदर, दोनों के अंदर इस तरह करना है। उसके अलावा एक पॉइंट जो है वो तीनों रिदम के अंदर हम कर सकते हैं और वो बताते हैं कि वो चीज है जब हम फेस करते हैं तो 3 के ऊपर जो हम पेरेनियम या लोअर एब्डोमिन को पुल करते हैं वो चीज इंट्रोड्यूस करनी है, वो यहाँ बताते हैं। इन बोथ फास्ट एंड इंटरमीडिएट 3SRB एट द काउंट ऑफ 3 द लोअर एब्डोमिन बिलो द नेवल एंड द पेरेनियम ऑब्लिक एनस रीजियन आर साइमल्टेनियसली ड्रॉन इन फोर्सफुली, एट द काउंट ऑफ 5 बोथ आर रिलीज, ऑन द काउंट 5-6 ऑफ एक्सहेलेशन द ब्रेथ इज फोर्स आउट partially at 5 and completely at 6 in one continuous exhalation. तो ये एक important steps है कि जो normally 3SRB में नहीं करते हैं और जब फेस करते हैं तब इसमें खास के करना जरूरी होता है। और ये है कि जब हम रिदम से श्वास लेते हैं 1, 2, 3 तो 3 तक जब श्वास आता है उसके दौरान हमें पेरेनियम जो है उसको अंदर की ओर पुल करना है या लोअर एब्डोमिन को अंदर की ओर खींचना है, और जब 5 आता है उस दौरान उसको तुरंत छोड़ देना है, और 5-6 के अंदर एक्सहेलेशन करना है तो 5 में जो 5th होता है उसके दौरान थोड़ा करना है फोर्सफुल,
और बाकी जो सिक्स आता है 5-6 में, तो सिक्स के अंदर पूरा एक्सर्ट कर देना है। तो श्वास के साथ में उसकी मूवमेंट और ये ब्रीदिंग, ये सब की चीज यहाँ उन्होंने बताई। यहाँ ब्रीदिंग की बात करते हैं, फिर आगे किस तरह बॉडी का पोस्चर या बॉडी की मूवमेंट किस तरह करना है वो भी बताते हैं। तो ये श्वास के लिए त्रिस्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, ये हमें तीन रिदम के अंदर करना है और थ्री के ऊपर उसको पुश करना है। अब आगे उसकी मेथड बताते हैं। फॉर द फेस एक्सरसाइज, सीट ऑन द फ्लोर इन नो पर्टिकुलर आसन विद द लेग्स क्रॉस नेचुरली, सपोर्ट योरसेल्फ ऑन योर हैंड्स पाम्स ऑन द फ्लोर जस्ट बिहाइंड द बैक एंड पैरेलल टू द साइड्स, फिंगर्स क्लोज बिफोर बिगिनिंग द एक्सरसाइज, प्रैक्टिस रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स इन ए सर्क्यूलर मूवमेंट्स फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एट द हाइट ऑफ द शोल्डर मूवमेंट, द ब्रेथ इज फुल एट 1-3 एंड द एल्बोज आर स्ट्रेट, वेन रोलिंग द शोल्डर बैकवर्ड द ब्रेथ इज फोर्सफुली थ्रोन आउट, द चेस्ट एंड एब्डोमिन फॉल इन एंड द एल्बोज आर बेंट क्विकली टू हेल्प इन द रोलिंग ऑफ शोल्डर्स। तो ये पूरा जो किस तरह फेज में रोटेशन करना है वो बता दिया है कि फ्लोर के ऊपर बैठिए या कोई प्रॉब्लम है, पैर में कुछ दर्द है तो आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं और पैर को नीचे लटका के भी कर सकते हैं। पैर स्ट्रेट रख के कभी भी नहीं करना, पैर स्ट्रेट रख के नहीं हो सकता है। पैर या तो क्रॉस लेग करिए, मतलब पालथी लगा कर बैठिए, या फिर पैरों को नीचे लटकते हुए छोड़ दें। और दोनों हाथ है वो हमारे बैक साइड में, जो हमारा पीछे का पार्ट है वहाँ हिप्स के पास है, में उसको रखना है। दोनों पाम जो है उसके बीच में कम से कम एक फुट का डिस्टेंस रहे, इस तरह रखना है, न बहुत खुला न बहुत नजदीक, इस तरह दोनों हाथ को रखना है। फिंगर्स हम क्लोज हो जाने चाहिए और जो पाम है वो पूरी की पूरी जमीन के साथ चिपकी होनी चाहिए। अब म्यूजिक के साथ में पहले 3SRB के साथ में चालू करना है। तो 1-3 जब हम श्वास लेते हैं तो बॉडी को नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर ले जाना है, और उस दौरान हमारा जो दोनों हाथ है खास करके एल्बोज वो स्ट्रेट हो जाएंगे और बॉडी पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, हमारे जो शोल्डर्स है वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे। अब जब म्यूजिक में 5-6 आएगा तो हम बॉडी को धीरे करके एल्बो से पहले बेंड करेंगे, बॉडी को नीचे डाउन करेंगे, श्वास फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे, और उसे पहले 3 के अंदर हमें ये पेरेनियम को खींच लेना है। यहाँ बताया नहीं है पर जैसे ऊपर हमने देखा इस तरह 1-3 के अंदर 3 जब आता है तो हमें ये पेरेनियम को खींच लेना है और एल्बोज को स्ट्रेट करना है। जब 5-6 आता है तो एल्बोज को बेंड करना है, बॉडी को डाउन करना है और जो शोल्डर से उसको रोटेट करना है बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, मतलब एक इस तरह गोल घुमाना है और ऊपर से जाके पीछे की ओर जाता है, ये 5-6 की क्रिया में हो जाना चाहिए। तो इस तरह पूरी जो क्रिया है, अभी तो खाली मैं बात कर रहा हूँ पर जो लोग जानते हैं उसका कोई प्रश्न नहीं जानते उसके लिए उसकी वीडियोस बनाए हुए हैं, शायद YouTube पर होंगे, नहीं तो फिर उसकी ये जो उसकी DVD है ये या फेज ये इसकी पेन ड्राइव है उसके अंदर वो मिल सकते हैं। तो वो संस्था पर आप जिसको इंटरेस्ट है वो ये कर सकते हैं। तो पूरी ये प्रक्रिया किस तरह करनी है वो उसमें बताया हुआ है। थ्रू प्रैक्टिस विल कम वन रोलिंग फ्लोइंग मोमेंट्स ऑफ फुल्ली एंड फोर्सफुली ब्रीदिंग इन एट काउंट 1-3, शोल्डर्स रोलिंग फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, द लोअर एब्डोमिन एंड पेरिनियम बीइंग ड्रोन इन फोर्सफुली एट 3 एंड रिलीज टोटली एट 5, वी डू नॉट काउंट 4, एंड द ब्रीदिंग एंड द ब्रेथ रिलीजिंग
एट 5-6, पार्शियली एट 5 एंड फुल्ली एट 6. ओनली आफ्टर दिस प्रैक्टिस कैन बी बिगिन फेज 1 ऑफ द एक्सरसाइज इन सीरीज वेयर लूज फिटिंग क्लॉथ्स, कीप आईज एंड माउथ क्लोज थ्रू आउट एंड लिसन टू द डायरेक्शंस एकॉम्पनीइंग द म्यूजिक ऑन द टेप. तो ये पूरी मेथड तो हमने अभी देख ली है कि किस तरह 1-2-3 में ये करना है, 5-6 में शोल्डर को घुमाना है, 3 में पेरिजम ये करना है. इस तरह उसकी मूवमेंट 12 साइकिल्स के ऊपर हम करना है. अभी फेज 1 चालू करने से पहले ये एक नेट प्रैक्टिस इसकी करनी है, रोज 5-10 मिनट इस तरह, कम से कम 5 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह ठीक तरह ये हो जाती है, उसके बाद में आप फेज 1 चालू कर सकते हैं. तो फेज 1 में क्या करना है ये पूरा प्रोग्राम यहाँ लिया है. 1, वी हैव 3 मिनट्स ऑफ नॉर्मल 3 SRB. तो 3 मिनट के लिए ये जो बॉडी का रोटेशन है उसमें 12 की रिदम के ऊपर 3 मिनट तक ये बॉडी को इस तरह घुमाना है, शोल्डर को घुमाना है वगैरह, जो हमने अभी पढ़ा वो सारी चीजें करनी है 3 मिनट. वी शिफ्ट नाउ टू 3 मिनट्स ऑफ फास्ट 3 SRB विथ ऑल द मोशंस डिस्क्राइब अबोव इन द प्रीवियस पैराग्राफ. तो इसी तरह फिर अभी 36 की रिदम के अंदर हमें यही चीज सारी की सारी क्रियाएं करना है. वी स्लो डाउन द 3 मिनट्स ऑफ इंटरमीडिएट 3 SRB विद द सेम इंस्ट्रक्शंस एज इन 2 अबोव फॉर फास्ट 3 SRB. तो वही चीज फिर हमें 18 की रिदम के अंदर पूरी सब मूवमेंट को दोहराना है. नाउ लाई डाउन, लेग्स एंड आर्म्स रिलैक्स, कीप आईज एंड माउथ क्लोज एंड कंटिन्यू विथ नॉर्मल 3 SRB फॉर 3 मिनट. अब सो जाना है, ये ऊपर 9 मिनट का प्रोग्राम कर लिया, इसके बाद में 3 मिनट के लिए बॉडी को रिलैक्स करके सो जाना है, हाथ पैर खुला रखना है, एकदम शांत कर देना है बॉडी माइंड को और सिर्फ 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ही करना है 12 साइकिल्स के ऊपर. डू नॉट गेट अप, पुल योर नीज अप टू द चेस्ट, होल्ड द नीज विथ बोथ हैंड्स एंड फॉर 1 मिनट इन द बिगिनिंग फॉर 15-30 seconds ओनली. डू एब्डोमेन फास्ट ब्रीदिंग एज इन द सेकंड रिफाइनिंग एक्सरसाइज विथ द हेड रेज एंड द चिन प्रेस टू द होलो ऑफ द थ्रोट. तो जिसको हम पोस्चर कहते हैं, ये 12 मिनट का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद में पोस्चर जिसको कहते हैं उसको हमें फॉलो करना है. तो पोस्चर के अंदर नॉर्मली कोर्स में जो योग के अंदर पवन मुक्तासन किया जाता है वही करना है. तो दोनों जो नीज है, जो पैरों को नजदीक लाना है, नीज को हमारे चेस्ट के साथ में चिपका देना है, हाथ से दोनों को ग्रिप में लेना है, मतलब दबा के रखना है दोनों नीज को चेस्ट की ओर, और जो हेड है उसको थोड़ा ऊपर करना है, चिन लॉक जिसको कहते हैं चिन लॉक करना है. और रिफाइनिंग सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जिस तरह हम पेट की मूवमेंट करते हैं 1-2-3-5-6 में, इस तरह यहाँ भी सेकंड एक्सरसाइज यहाँ करनी है और सिर्फ 1 मिनट के लिए. और अगर 1 मिनट भी नहीं होती है तो आधी मिनट से भी आप चालू कर सकते हैं, 15 सेकंड आधी मिनट भी कर सकते हैं. लास्ट पैराग्राफ, नाउ रिलीज द नीज, रेस्ट द हेड ऑन द फ्लोर एंड रिलैक्स, शेक योर हेड जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, हिट द हिट हेड जेंटली ऑन द फ्लोर ए फ्यू टाइम्स, ओपन योर आईज एंड सिट अप स्लोली, रिपीट द एंटायर सीक्वेंस 1-5 2 मोर टाइम्स, रेस्ट इन बिटवीन फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम. डू नॉट बी टू मच अर्नेस्ट, प्रैक्टिस 3 or 4 times a week as described above, and on alternative days do the full set of refining exercises in the following order 1-2-3-4-5-6-3-2-1. This detailed instruction will not be repeated for phase 2 and onwards. Preserve them and read them carefully. So baad mein dheere se hame uth jana hai aur fir se अगर फेज 1 अगर करते हैं तो दूसरा और तीसरा राउंड भी करना पड़ेगा, और जिस तरह ऊपर किया इसी तरह सेम वे 12 पर 36 18 पर और फिर लेट कर इस तरह पूरा प्रोग्राम फिर से 13 मिनट का प्रोग्राम करना पड़ेगा. इस तरह 40 कम से कम 40 मिनट का प्रोग्राम फेज 1 के लिए करना पड़ेगा. और फेज जो है वो रोज नहीं करना होता है, ऑल्टरनेटिव डे करना होता है.
तो एक दिन रिफाइनिंग किया, एक दिन फेस किया, इस तरह कर सकते हैं। और जिस दिन रिफाइनिंग का नंबर होता है तो पूरे की पूरी एक से लेके 9 एक्सरसाइज रिवर्स के साथ में पूरी एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद में गोल नकेत भी करना है। पर नॉर्मली मेरा पर्सनल अनुभव भी है, और मैं पर्सनली हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आप फेस करते हो उस दिन भी रिफाइनिंग का थोड़ा टाइम निकाल के, चाहे 3 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी आप रिफाइनिंग कर लेना जरूरी है, ताकि उसके साथ में एक टच बनता है, एक दिन गैप खोता है तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि फेस तो हम करते हैं। पर फिर भी दूसरे टाइम में, सुबह में टाइम नहीं होता है तो शाम को या दूसरे टाइम में भी रिफाइनिंग 1-1 मिनट भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो रिफाइनिंग रोजाना होनी चाहिए, और फेस जो है वो ऑल्टरनेटिव डेज में होना चाहिए। इस तरह हमारा प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये डी जो है वो सीरीज का खत्म होता है। जो समरी है वो लास्ट टाइम हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बाद में फिर आके देखेंगे। यहाँ रुकते हैं, कोई खास सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ तो उसमें जो मानो के फेज 3 किया हमने, हाँ तो उसमें भी ये पवन मुक्तासन वाला पार्ट भी आएगा लास्ट में? हर एक के अंदर फेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और वो टाइमिंग भी बढ़ता रहेगा। मतलब फेज 1 करते हैं तो 1 मिनट करेंगे, फिर फेज 2 के अंदर 2 मिनट इसकी होगी, फेज 3 के अंदर 3 मिनट होगी, 4 के अंदर फिर और हम 5 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। तो हर एक फेज के बाद में हमेशा ये जो है वो पोस्चर तो करना ही पड़ेगा, तभी फेज कंप्लीट होगा। नहीं, फेज 2 जो है, फेज 3 है वो 2 बार करने का, वो 3 बार नहीं है। तो वो 2 बार? हाँ वो 2 बार है। तो फेज 2 3 जो है, फेज 4 है वो 1 ही बार है, फेज ये जो है 2 और 3 वो जो है वो इसमें 2-2 बार करना पड़ता है। हाँ बस बस साइकिल, वो मूवमेंट सब सेम की सेम रहेगी, मूवमेंट सेम ही रहेगी, खाली टाइमिंग ही चेंज होता है उसके अंदर। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो बहुत लंबी बात है, इतने वो ऐसा तो नहीं है। पर 3 का ये कारण ये है कि यहाँ जो पेरेनियम है, मतलब कि एस्ट्रल के अंदर मूलाधार है, और मूलाधार से प्राण की एंट्री होती है,